हाँ दादा क्या खास और इस फिल्म में हो रहे हैं? ये फिल्म में हम लोगों ने ऑलरेडी शूटिंग की हुई है। इस फिल्म का नाम है, वर्किंग टाइटल रहम दिल कातिल है, चेंज भी हो सकता है। और मुकेश जी और सिराज भाई इसके प्रोड्यूसर हैं, संदीप दादा इसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म में बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सस्पेंस थ्रिलर है। और गाने भी बहुत अच्छे हैं, ये पांचवें गाने की रिकॉर्डिंग आज हो रही है। तो इस फिल्म को मेरे ख्याल इसी साल के एंड तक रिलीज़ हो जाएगी पिक्चर, उसी के लिए आए हैं, इसलिए सब बहुत ख़ास दिन है। इंटरेस्टिंग रोल इन दैट आई प्ले अ मल्टीमिलियनेयर और इट्स नॉट अ नॉर्मल नेगेटिव गाय। और फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। फिल्म का मतलब बैकबोन मेरा ही किरदार है पिक्चर में, तो इसलिए मैंने किया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। और मैं आजकल जितने भी रोल्स कर रहा हूँ, अभी एक मैंने एक फिल्म की मी टू मैं भी, जिसके शावर और इमरान प्रोड्यूसर है, उसमें मैं एक ड्रंक लॉयर का मैंने रोल किया है। और फिल्मों में अलग तरह तरह के किरदार कर रहा हूँ, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग रोल है। यस यस, आई कम अ लॉन्ग वे, बट चेंजेस व्हाट आई सी इज नाउडेज पीपल आर गेटिंग मोर अट्यून टू डिजिटल फॉर्मेट। और फिल्मों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो खैर बनी रही हैं, अब बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशंस भी हो रही हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और सिनेमा का मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है ऑल टाइप्स ऑफ सिनेमा का। मतलब वो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती है वो तो होती हैं हमारे देश में, जो कि नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सिनेमा ऑल्सो। टेलीविजन का चक्कर ये है कि टेलीविजन वहीं का वहीं रह गया है, वो ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिनेमा में फॉर्चुनेटली बहुत सारा काम हो सकता है। Oh yes, why not? I mean, the web series is the future. It's the future. I mean, मतलब सबके घरों पे एंटरटेनमेंट हाथों में चला गया है, फिंगरप्रिंट्स पे एंटरटेनमेंट चला गया, इट्स द फ्यूचर। बट मेरे ख्याल से बड़े पर्दे का मज़ा बड़ा पर्दा है, you know, उसको आप छोटे से पर्दे या रुमाल पे देख नहीं सकते। जो चीज़ आप बड़े स्क्रीन पे चादर पे देख सकते हैं, वो रुमाल पे नहीं देख सकते। दैट्स द वर्स्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड। इतने सारे लोग चले गए हैं, इतने अच्छे अच्छे नरेंद्र झा, मतलब वो श्रीदेवी जी सारे के सारे, पता नहीं ऊपर वाले का क्या कर्म हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री वालों को। और अब इरफान की न्यूज़ सुन के तो आई एम शैटर, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इरफान को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि इरफान की बहुत ज़रूरत है अभी फिल्म इंडस्ट्री को। उस वो जिस तरह की फिल्में करता है, वो जिस तरह की उनकी एक्टिंग है, उन्होंने एक हॉलीवुड स्टाइल ऑफ एक्टिंग वो इरफान लेके आया इंडियन इंडस्ट्री में, और वो उस तरह का सिनेमा लेके आया उन्होंने। हमारे फिल्म इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पे रखने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि इरफान को जो भी उनको जो भी बीमारी है, जो भी है, उससे बिल्कुल ठीक कर दें, बिल्कुल अच्छा कर दें, और इरफान को हम हमारे बीच लंबी उम्र तक जिंदा रखें सेहत के साथ। यही स्टोरी है। एक मिनट, उन्हें निकाल दो, फिर उन्हें बुलाओ, इन्हें निकाल दो, फिर उन्हें बुलाओ। फिल्म का नाम टाइटल क्या है और क्या टाइटल चेंज करने की कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिल्म का नाम रहम दिल कातिल है, और संदीप कुमार जिसके डायरेक्टर है, मुकेश जी है जो प्रोड्यूसर है, और मैं उनके साथ ही हूँ। ये मेरा लड़का सिकंदर इसमें मेन हीरो के रोल में है,
और जून तक रिलीज हो रही है। ओके, क्या 4-5 दिन की शूटिंग बाकी है। ओके, क्या स्टोरी रहेगी फिल्म की, अनगिनत फिल्में बनती हैं, क्या ऐसा खास है जो दर्शकों को लुभाएगा? शूटिंग का, फिल्म का तो स्टोरी का तो डायरेक्टर साहब और यही बता पाएंगे, मेरा को इतना नहीं है। फिर भी एक अच्छा मैसेज है इसमें, लालच बुरी बला, लास्ट यही मैसेज है इस फिल्म का। ओके, आपसे जानना चाहूँगा क्या आपके किरदार के बारे में और क्या खास होगा? ये एक थ्रिलर मूवी है, इसमें अच्छे सॉन्ग्स हैं, एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, जो आजकल जो चाहिए ना सब कुछ है इस मूवी में। बस मेरा एक यंग बॉय का रोल है, मतलब कि कैसे लोग भटक जाते हैं फिर कैसे समझ आती है उनमें मेरी एज के अंदर, उस पर ये मूवी है। क्या यंगस्टरों को कोई मैसेज देगी ये फिल्म? हाँ, बताया लालच की बात है ना, लालच जी, बिल्कुल बताएगी कि लाइफ में शॉर्टकट मत लो, तरीके से चलो, ये मैसेज देगी। ओके, क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको आपका काम करने का शाहबाज खान जैसे दिग्गज फिल्म का हिस्सा? मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा शाहबाज सर के साथ काम करके, मुग्धा मैम के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो आए हो फिल्म का हिस्सा बने? यार, इस मूवी के अंदर एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, जो चाहिए तुमको सब कुछ है भाई, क्यों नहीं आओगे देखने? थैंक यू। संजय जी, मुकेश जी, पहला सवाल, फिल्म मेकिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, क्या खास ऐसा है फिल्म में जिसलिए आप फिल्म का हिस्सा बने, आपने प्रोड्यूस किया? मेरी ये पहली बात, मेरी दूसरी पिक्चर है, पहली पिक्चर मेरी का नाम है आखिरी सौदा द लास्ट डील, ये 2016 में रिलीज़ हुई है, ये मेरी दूसरी पिक्चर है। ऐसे में पहले आज से 10 साल पहले राजेश खन्ना के साथ सीरियल बनाया था कर्म क्षेत्र, उसके पहले भी 5 साल पहले अरुण गोविंद सुधा चंदन इनके साथ सीरियल बनाया था, एक वो रिलीज हुआ, मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई है जिसका नाम है आखिरी सौदा द लास्ट डील। ये सेकेंड पिक्चर है रेम दिल का दिल, इसकी सिर्फ 5 दिन की शूटिंग बची है, मैं जून में ये पिक्चर लेके आ रहा हूँ। ये मैंने आउटडोर में अजमेर में किया है, सूरत में किया हूँ, बॉम्बे में किया हूँ, बहुत अच्छे लोकेशन है, बहुत अच्छे गाने हैं इसमें, मुग्धा जी हैं, जुबेर के खान हैं, असरानी जी हैं, शाहबाज खान जी हैं, सिकंदर खान है, अन्नू प्रिया लड़की है, और सिराज भाई मेरे साथ जुड़े हैं, और अभी व्यास जी मेरे साथ जुड़े हैं, अर्जुन व्यास जी हैं, ये भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पिक्चर में। तो हम सब मिल गए पिक्चर को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने की तैयारी है, और बहुत जल्दी जिस दिन इसकी मेरी शूटिंग खत्म होगी तीसरी पिक्चर लॉन्च करते जा रहा हूँ, तीसरी पिक्चर बहुत जल्दी, उसमें भी बड़े बड़े एक्टर। ओके, क्या खास है फिल्म में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग आए और सिनेमा का हिस्सा बने, अनगिनत फिल्में आती हैं इस साल में बॉलीवुड की, अगर मैं बात इस फिल्म में सब कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, एक्टिंग के एक्टर दिखेंगे, मसाला दिखेगा, सॉन्ग दिखेंगे, सबसे अच्छे इसमें सॉन्ग दिखेंगे आपको, कुमार सानू का जो सॉन्ग है वो दिल को छूने जैसा सॉन्ग है, आपको पुरानी याद एकदम नई ताज़ी याद करेगी, और जावेद का भी बहुत अच्छा रोल है, आप इस फिल्म को इंतजार कीजिए, जब आवे आप जरूर देखिए और जरूर देखिए। ओके सर, आज कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा? ये मेरा आइटम सॉन्ग डब कर रहा हूँ, मैंने पहले इसको किया था, मैं अभी आज आइटम सॉन्ग का डबिंग कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े पैमाने पे आइटम सॉन्ग करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे साथ और भी कोई लोग जुड़ रहे हैं, तो आइटम सॉन्ग बहुत अच्छे पैमाने में करने जा रहा हूँ। और आइटम सॉन्ग के लिए कोई आइटम गर्ल भी? अभी तक 2-4 जन से बात चल रही है, मगर मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि कौन आता कौन नहीं आता पता नहीं, बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी आएगी बड़ी आएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा बने जब भी फिल्म रिलीज हो? नहीं, हम चाहते हैं कि आइटम सॉन्ग ऐसा होता है कि आइटम सॉन्ग देखने के एक अलग, उनकी एक अलग ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ आइटम सॉन्ग में एक अच्छी से अच्छी हीरोइन है, अच्छे से अच्छे लोग हैं, और अच्छी चीज़ करो। क्या राखी सावंत को प्लान? नहीं, राखी सावंत है, कोई भी है, मैं भी वो भी है, 5-6 नाम है, ऐसा होगा, 5-6 नाम है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जो जब हो जाएगा उसी टाइम मैं शर्मा जी को बता दूंगा, फिर मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। इसमें कवाली भी बहुत जानदार है, और अजमेर में करीब 30 साल के बाद में पहली कोई कवाली जो है जो शूटिंग हुई है उसकी। सर, ये फिल्म की हाईलाइट ये है कि हमने एक बेहतरीन गाना अजमेर में ख्वाजा के दरबार में जावेद अली का गाना पिक्चराइज किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसमें हमने खास कवाल लोगों को मुजफ्फरनगर से बुलाया भी था, और वो हमारी फिल्म की हाईलाइट है, जो भक्ति भावना को इतना अपने गाने में दिखाया, ये बात है। प्लस दूसरी बात, ये कहानी का जो सारांश है मेन, जिसके लिए फिल्म बना रहे, हर फिल्म एक मैसेज होना चाहिए, कमर्शियल जामा में हमने दिखाया है कि लालच बुरी चीज़ है, लालच से दूर रखो, लालच आपको एक दिन ज़रूर बर्बाद करेगा, और वो हमने पिक्चर में दिखा दिया लालच कितनी बुरी चीज़ है। दैट इज़ द रियलाइजेशन दैट फॉर द सेक ऑफ मनी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, दैट गॉड हैज़ गिवन इनफ फॉर अ मैंस नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड, वही हमने कहानी का हमारी सारांश है
क्या एक आदमी दौलत के लिए अपने भतीजी का भी मर्डर कर सकता है और वो उसको पश्चाताप होता है, एडवे हाईलाइट है ये मैंने क्या किया है, जिस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग। बेसिक मोटिव इज दैट, आज के दौर पे क्या लोग से पैसा 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 कहीं से भी, अभी नीरव मोदी का केस देख लो, भगोड़ा बन गया विजय माल्या, ताकि भगोड़ा ना बनना पड़े, जो कमाओ लेजिटिमेट कमाओ, लेजिटिमेट तरीका से जियो, दिस इज द बेसिक मोटिव। वी हैव द पार्ट ऑफ टू रीजन्स, वन यू गेट द एंटरटेनमेंट वैल्यू, बेसिकली यंग क्राउड के पिक्चर है, यंग क्राउड के पिक्चर, एट द सेम टाइम यू टेक होम अ मैसेज, मैसेज यही है कि भैया साफ सुथरा जिंदगी बिताओ, महात्मा गांधी बनने नहीं बोल रहा हूँ ना मदर टेरेसा बनने बोल रहा हूँ, लेकिन एक मॉडर्न अच्छे आदमी बन के दिखाओ, एंड डोंट बी ग्रीडी, स्टे विद इन योर लिमिटेशन, जितना बड़ा चादर है उसे फैलाने का कोशिश मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हाँ सर, सर Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।